तो आज है सेकेंड डे और सेकेंड डे हम निकल चुके हैं तिमली खाल के लिए। तिमली खाल और ये है बीरो खाल से थोड़ा सा पीछे से एक रोड कट जाती है जो दुनाओं के लिए जाती है, यानी कि शॉर्टकट रास्ता है दूसरे गांव से होके। और हम आ चुके हैं तिमली खाल वाली रोड पे। ऊपर चोटी पे आप देख रहे होंगे एक टावर लगा हुआ है, वो है तिमली खाल, जो कि कम से कम 35-36 किलोमीटर दूर है बीरो खाल से। तो तो ये काफ़ी लंबा रहा सफ़र है। और ये रहा तिमली तिमली खाल। खाल, और ये रही हमारी गाड़ी। और इसी के नीचे जहाँ आप जाते हुए देख रहे हैं चाचा जी को, यहाँ उनका कमरा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे पानी नहीं है। पानी है तो वो इस साइड है जहाँ पे टावर लगा हुआ है। तो यहाँ पे शाम के टाइम पे अकेला हो जाएंगे चाचा, क्योंकि यहाँ जितनी भी दुकानें हैं वो सब गांव की दुकानें हैं, गांव वालों की दुकानें। तो तो फिर तो जैसी बहुत शाम होती बढ़िया है वो है, लोग निकल लेते हैं यहाँ से। तो डे यहाँ टू। पे इस वीरान सी जगह में चाचा को अकेले रहना पड़ेगा। डे टू है तिमली तिमली खाल में, और आज यहाँ होगी शिफ्टिंग। वीरान सी क्या जगह बोल रहे बोलने का हो? मतलब ये है कि जिस जगह पे कोई ना हो वो वीरान सी ही हो जाती है। लोकेशन देखिए आप। लोकेशन देखिए आप, लोकेशन तो बहुत अच्छी है लेकिन कोई है ही नहीं यहाँ पे। और ये रूट है, आप देख रहे होंगे, बीरो खाल यहाँ से दिखेगा नहीं लेकिन बहुत दूर है, काफी दूर है यहाँ से। अभी यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। किले तो तिमली में मिल गई कुछ फीमेल्स बोलो जो मेरे वीडियोस देखती हैं, जो अप्रिशिएट करने के लिए मुझे खड़ी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि मैं था यहाँ पे। लेकिन वो बोल नहीं रही है क्योंकि शर्मा रही है शायद। खैर बोलो 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 उनका एक वीडियो तो बोलो बना ही देता हूँ। तो ये है एक होटल यहाँ पे जो हांगकांग से आए हुए अंकल जी हैं, उन्होंने खोल रखा है। हाँ कमरे की यार, ये तरफ बढ़ते पूरा हैं और यहाँ पे एक घंटे अटके बेड हैं फिट नहीं हो अपने, रहा है, इसको सेट इसको करने काफी पे घंटे की बढ़िया ही मशक्कत सेट करने नहीं के हो रहा बाद है। भी फिट नहीं कर पा रहे थे, बहुत टाइम लग गया था इसको फिट करने में। चलिए, बड़ी मुश्किल से ये बेड फिट हुआ और अब जाके इसको सेट किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं स्कूल की तरफ। नया स्कूल, नई जगह, मेरा डांडी काठों का मुलुक जैल्यू, बसंत ऋतु माजे। तो ये रहा तिमली खाल का स्कूल, और वो सामने आपको दिख रहा होगा तिमली खाल, और इसके बीच में जो गैप है वहां से काफी पैदल आना था, जो जो चाचा इस दूरी को तय नहीं कर पाते क्योंकि उनके पैर में दिक्कत है, तो वो पैदल ज्यादा जा नहीं सकते हैं। उनके लिए बड़ी समस्या थी ये इसको पार करना। और स्कूल में के सामने भी एक कमरा है लेकिन यहाँ पे अकेला है और यहाँ पे कोई गाड़ियों का मेरे को साधन नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे अगर रात को बिरात को तबीयत खराब हो गई तो यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। ऐसी जगहों में रहना भी बड़ा चैलेंजिंग है अपने आप में कि आप ऐसी जगहों पे अकेले रहें। देखने में उत्तराखंड खूबसूरत है लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनको पता है यहाँ की हकीकत, अच्छे से पता है उनको एक एक चीज़ का कि यहाँ क्या मुसीबत आ सकती है कब। तो ये चीज़ें सिर्फ देखने में सही लगती हैं, हालांकि है नहीं इतना। तो देखिए कितना खतरनाक था ये, और पूरा जंगल का एरिया है। 18 साल से चाचा अपनी सेवा रिखार्ड स्कूल में दे रहे थे, जो बंद हो गया, और अब तिमली खाल, तिमली गांव, तिमली खाल के इस स्कूल में उनको ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि उनके लिए काफ़ी पैदल का रास्ता है, क्योंकि चाचा हार्ट के पेशेंट हैं और पैर में भी दिक्कत है उनके, तो विकलांग सर्टिफिकेट है उनका, उसमें आते हैं। तो एक नज़र मारते हैं तिमली खाल के मार्केट की तरफ। ये देखिए कुछ दुकानें हैं यहाँ पे, वो भी क्लोज़ हैं, और एक दुकान ये साइड में है, एक वो साइड में है, उसमें एक अंकल बैठे हुए हैं, वो भी सो रखे हैं, और
कुछ दुकानें ये हैं, ये भी शायद बंद पड़ी हैं, और एक दुकान वो है वो खुली है, और वो आगे होटल है उन भाई साहब का, पहले चाइना रहते थे वो, अब उन्होंने यहाँ होटल खोल दिया है। सॉरी, चाइना नहीं, ये हांगकांग रहते थे, और सोचा आपको दिखाई देता हूँ इस होम स्टे को। ये होम स्टे है जो इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, अपने टाइम पास के लिए इन्होंने बना रखा है, ऐसा कोई प्रमोशनल के लिए नहीं बनाया है इसको कि इसका प्रमोशन किया जाए, क्योंकि तो मुझे लगा उनका देख के, उनसे बात करके, कि शायद इंटरेस्ट नहीं है उनको। और आप करते हैं हम जाने की तैयारी। ये देखिए चाचा जी बड़े इमोशनल हो चुके हैं यहाँ पे, 18 साल जिस जगह पे रहे वहाँ से लोगों से बिछड़ने का दुख देखा जा सकता है, काफी अटैच्ड हो चुके थे, और अपने व्यवहार की वजह से वो लोकप्रिय भी रहे हैं उन लोगों के बीच में। तो इसी के साथ हम टिमली गांव को अलविदा कह के चले, और ये देखिए बीच में कितना प्यारा स्कूल है, और मेरे साथ बैठ गए हैं एक दो शराबी भाई और ये दुनाव वाली रोड पे हम आ चुके हैं, अभी नहीं आए, मतलब थोड़ा सा पीछे हैं। और ये रहा दुनाव का झरना, वाटरफॉल, मैन मेड वाटरफॉल, यहाँ से बड़ा खूबसूरत दिखता है, हालांकि ये नेचुरल नहीं है, लेकिन पानी जो है आ रहा है वो नेचुरली है, एक तरीके से नेचुरली ही हो गया वो, क्योंकि नहर के थ्रू आ रहा है यहाँ पे नीचे, ऊपर नहर देखिए, और वहाँ पे ब्लू कलर के जो पाइप लगे हुए उनसे ये पानी नीचे आ रहा है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए।